हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस फीस अपडेट के बारे में, जाना कि आखिर में किसकी फीस बढ़ा दी गई है और आखिर में ये फीस क्यों बढ़ाई गई है, इतनी ज़्यादा फीस आखिर में उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस क्यों ले रहा है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन, आप आसानी से देख सकते हैं। संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 CPP NET 2022। उसके बाद आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, उसके बाद 16 तारीख इसकी एंड डेट है और परीक्षा की बात करें तो 28 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अब यहाँ पर सीधा नीचे आ जाते हैं और आपको पेज नंबर 11 पर ले चलते हैं। जैसे यहाँ पेज नंबर 11 पर आते हैं तो यहाँ पर आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क, यहाँ पर जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले नज़र जैसे ही पड़ी तो यहाँ पर शॉक कर देने वाली खबर थी कि आवेदन शुल्क सामान्य, जो भी स्टूडेंट सामान्य जात से बिलोंग करते हैं या OBC जात से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आवेदकों के लिए 3,000 रुपये आवेदन शुल्क, अनुसूचित SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 2,000 रुपये। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा फीस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस CPP NET को नहीं लेनी चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट 3,000 रुपये पे नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा फीस। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में 500 रुपये फीस थी, उसके बाद में 1,000 रुपये फीस हो गई, फिर 1,200 रुपये फीस हो गई, लेकिन इस बार जो आप देख पा रहे हैं इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर है कि 3,000 रुपये आपको देने होंगे अगर आप इसमें फॉर्म डालते हैं और अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 2,000 रुपये आपको देने होंगे अगर आप ST एंड SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा फीस है, इतनी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस को नहीं करनी चाहिए, ऐसी हम अपने चैनल द्वारा मांग करते हैं। इतनी फीस बहुत ज़्यादा फीस है और कहीं ना कहीं ये फ़र्क दिखेगा नंबर ऑफ अप्लीकेशन पर, जितने भी एप्लीकेशन डाले जाएंगे उसमें फ़र्क ज़रूर दिखेगा, क्योंकि वो ही स्टूडेंट डाल पाएंगे जो समर्थ फैमिली से हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों किया है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस ने। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी फॉर्म KGMU से निकलते हैं या फिर नई यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो BSc नर्सिंग के फॉर्म निकले हैं इस समय, तो उसमें भी 3,000 रुपये फीस कहीं ना कहीं रखी गई है। इतनी ज़्यादा फीस उसमें भी बढ़ा दी गई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस में ने भी 3,000 रुपये और 2,000 रुपये फीस कर दी है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि इतनी फीस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बता सकते हैं।